हाय गाइस, दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। आपका स्वागत है वेलकम पहाड़ में, वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो आज गाइस हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पे हैं। आज मैं अपने घर पे हूँ और घर पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि कहाँ पे घर पे क्या क्या चीज़ें इस मौसम में लगी हुई है। तो चलिए लेट अस गो, देखते हैं क्या क्या है आज हमारे लिए यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये है अपना अखरोट का पेड़। काफ़ी बड़ा फैला हुआ हुआ करता था और अभी हमने इसकी कटिंग करवा दी है, तो इस पर बिल्कुल भी अखरोट नहीं है इस बार। अखरोट के साथ साथ ये गगनचुंबी आकाश और बादल लगे हुए हैं और इन बादलों के बीच में अपना इलाका, अपना एरिया है। पहाड़ देखिए सामने से दिखता हो और ये अपना फूल जो प्राकृतिक सौंदर्य को बिखेर रहा है। अपने आप में फूल अपने आप पैदा हुए हैं, अपने आप ही लगते हैं। ये हमारा माल्टे का पेड़ है, काफ़ी अच्छा होता है माल्टा खाने में। सर्दियों में ये तैयार हो जाता है। दो तीन पेड़ यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखे हैं और काफ़ी बड़े बड़े माल्टे इन पे होते हैं। बहुत ही बड़ी लौकी, और मुझे अभी अभी दिखी है यहाँ पर, बहुत बड़ी लौकी है ये। मुझे लौकी पसंद तो नहीं है लेकिन ये बहुत अच्छी और बड़ी लग रही है, तो दिखा दिया। अभी यहाँ पर देखा लगे हुए संतरे, जिसको हमारे यहाँ पर कहते हैं माल्टा, गढ़वाल में, और कुछ ही समय बाद ये तैयार हो जाएगा। साथ ही बड़ी सी लौकी आपको देखने को मिली है। आज यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बादल लगे हुए हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि शायद बारिश आ जाएगी। और यहाँ पर अभी आपको जो खेती पीछे से दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ककड़ी वगैरह सब लगी हुई थी। और ये कहते हैं इसको मकई, जो मकई है, मकई को आप क्लोज से दिखा देते हैं। तो मकई के सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं, बाकी कुछ यहाँ पे लगा हुआ तो है नहीं। इनमें देखते कहीं मिल जाए, एक आध तो मेरा जुगाड़ हो जाएगा शाम के लिए, लेकिन इन पर कुछ है नहीं अभी लगा हुआ। और बाकी कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ खास, तो एक छोटी सी चीज़ मुझे मिल रही है। देखते हैं इसको निकाल के क्या है। ओ, ये गेठी, बहुत ही स्वादिष्ट होती है ये गेठी खाने में। कच्ची तो नहीं खा सकते, इसको पका के खाना पड़ेगा। और अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे एक पेड़ और दिख रहा है आपको, माल्टे का पेड़। आपको ऐसे चलते चलते कुछ बातें करते हैं, दिखाते हैं अपने यहाँ पे क्या क्या है आज स्पेशल कुछ। ये दूसरा यहाँ पे माल्टे का दूसरा सब पेड़, इसमें बहुत अच्छे माल्टे लगते हैं। सर्दियों में खाने का मन करता है इनको बहुत ज़्यादा, और होते भी ये सर्दियों में ही है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं कहाँ पे क्या क्या है आजकल। यह छोटी सी भिंडी, मुझे भिंडी पक के खाने का शौक़ नहीं है, लेकिन इसको ऐसे ही तोड़ के ऐसे खाने का शौक़ है मुझे। बहुत स्वादिष्ट होती है और विटामिन से भरपूर होती है भिंडी। आप लोग तो पका के खाते होंगे, लेकिन मुझे कच्ची पसंद है, तो मैं कच्ची खाता हूँ इसको। चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए सर्दियों, क्या आप इसको जानते हैं? बिल्कुल, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसको जानते होंगे और कुछ नहीं जानते। ये है रोज़मेरी, और रोज़मेरी का बहुत बड़ा खेत यहाँ पर, बहुत अच्छे से प्लांट लगा हुआ है। इसकी उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। सबसे पहले तो ये मेमोरी लॉस में काम आता है। जहाँ पर मेमोरी लॉस होती है किसी व्यक्ति की, तो अगर इसकी कोई चाय पी लेता है तो उसकी मेमोरी लॉस में उसको फ़ायदा आता है, यानी कि उसकी याददाश्त वापस आने के काफ़ी चांसेज इससे हो जाते हैं। दूसरा, ये स्वास्थ्य संबंधी रोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है, और इसके साथ ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बहुत अच्छी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आदमी आजकल जैसे ही कोरोना काल में थी, इम्यून सिस्टम बहुत तकड़ा करना था, तो उसके लिए घरेलू नुस्खे कई लोगों ने काढ़े वाढ़े पिए थे। तो उसको लेकर अगर बात करें रोज़मेरी की, तो रोज़मेरी अपने आप में ही एक औषधीय प्लांटर, बहुत अच्छा बेनिफिट देता है ये शरीर के लिए। बहुत ही ये अपने बालों के लिए, अपने इम्यून सिस्टम के लिए, नज़ला जुखाम के लिए और स्वास्थ्य के लिए रोज़मेरी का बहुत बड़ा उपयोग है। रोज़मेरी की चाय बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। कभी मैं आपको रोज़मेरी की चाय ला के दिखाऊँ। और साथियों, आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ, आ चुका है, देखता हूँ मैं प्रयास कर पाता हूँ कि नहीं, देखते हैं। आपको मिलने वाला है टिहरी और श्रीनगर के पास जाने वाला हेलीकॉप्टर, लेकिन निकल चुका है, नहीं दिखा पाया आपको, काफ़ी दूर निकल चुका है। जैसे ही आया था, आजकल पेड़ बहुत है तो नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहा है वो पेड़ों के कारण, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पेड़ है। आपको पैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ बादल और पेड़ों के कारण मैं उसको नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आएगा। ये हेलीकॉप्टर जो है टिहरी से श्रीनगर के लिए जाता है, और श्रीनगर से शायद गोपेश्वर, ये तीन इसके स्टेशन है, और तीनों में जाता है और फिर वापस टिहरी आ जाता है।
जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन आज नहीं मिल पाया मौका, फिर कभी। चलो तो हम बात कर रहे थे रोज़मेरी की, चलते फिर रोज़मेरी की तरफ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रोज़मेरी की। रोज़मेरी अपने आप में बहुत बड़ा औषधीय पौधा है, जो कि सारी दवाइयों का एक रामबाण इलाज है, सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है, सारी दवाइयों को एक किनारे फेंक देता है। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने बड़े भैया हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे लगा रखा है रोज़मेरी का, और वो इस पे जो है काफ़ी काम करते हैं, चाय बनाते हैं इसकी, यानी कि चाय पत्ती, और इसको सेल भी करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़मेरी को लें, रोज़मेरी के बेनिफिट को उठाएँ, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं रोज़मेरी के पूरे दर्शन करवा लेता हूँ। देखिए, तो साथियों आप चलते थोड़ा सा आगे की ओर, लेकिन अभी यहाँ पे जो है भाई को जाना है यहाँ से श्रीनगर, तो मुझे उनको जाना पड़ेगा थोड़ा छोड़ने के लिए कांडीखाल। तो पहले मैं उनको छोड़ के ले आता हूँ, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है, फिर बात करते हैं आगे कुछ और। ओके, पैच होता है। ठेकेदार को आयो, ठेकेदार नहीं आई। अच्छा, साथियों मैं आ ही रहा था कांडीखाल की, कांडीखाल में यहाँ पे कुछ लोग मिल गए। यहाँ पे हो रहा है ये जो सड़क है, सड़क का पैचिंग हो रही है यहाँ पर, और कुछ ग्रामीण लोग जो हैं इसका आक्रोश में हैं, क्योंकि ये काफ़ी गंदी पैचिंग कर रहे हैं। काफ़ी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये मेरे को भी आने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। इसके ऊपर घास घास डाल रखी थी इन लोगों ने, तो इन्होंने हमें रोक दिया थोड़ा सा यहाँ पर चाचा जी ने, कि देखो जरा इन लोगों ने किस तरह से ये पैचिंग की। और इनको जो है अच्छा अनुभव भी है चाचा जी को PWD का, तो इन्होंने बोला कि देखो जरा इन लोगों ने किस तरह की पैचिंग की, आप लोग भी देखो। और ये शायद इसकी रिपोर्ट शासन को करने जा रहे हैं। बात भी सही है, इस तरह की आवाज़ ग्रामीणों को उठानी चाहिए। जब कोई सरकारी काम होता है और वो काम सही नहीं होता है, तो ग्रामीणों को ये आवाज़ उठानी चाहिए, तब जाके ही काम सही हो पाएंगे। यहाँ पे चाचा जी को बहुत अच्छा अनुभव है, इसी फील्ड में रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि आप जो है इस काम को सही तरीके से कीजिए। और लास्ट में उन्होंने माना है कि हाँ वास्तव में जो है काम ख़राब हुआ है, ठेकेदार के द्वारा माना गया है। साथियों मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर कांडीखाल से, और अभी आपने देखा कि वहाँ पर जो है पैच को लेके कितना बड़ा झगड़ा हो रहा था। बात भी सही है कि अगर हमारे पैसे से गवर्नमेंट सही काम नहीं करेगी तो हमें लोगों को नुकसान होगा, और ऊपर से गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा। तो चलते हैं बहरहाल घर, भाई को छोड़ दिया मैंने कांडीखाल, अब करना पड़ेगा कुछ खाने पीने का भी जुगाड़। मेरे पीछे खड़ी है JCB, ये है बिट्टू भाई की JCB, और ये इस रोड पर काम कर रहे हैं। ये रोड पहुँचेगी भविष्य में चंद्रबदनी। चंद्रबदनी के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, कभी मौका मिलेगा तो चंद्रबनी पे भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल ब्लॉग ले आएंगे। तो बहरहाल मैं निकलता हूँ यहाँ से घर की तरफ। ओके, यहाँ पे है ठंड का मौसम, तो मैं निकाल देता हूँ अपनी गाड़ी से अपनी स्वेटर भी, जो मुझे शाम को पहनने के काम आएगी। हो सकता है कि शाम को यहाँ पे ठंड बढ़ जाए, तो ठिठुरने से बेहतर है कि अपनी तैयारी हम पूरी तरह से कर लें। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर घर पर पहुँचने के बाद। ओके, तो घर पहुंचते पहुंचते करते हैं कुछ बातें। ये मेरी वही स्वेटर, पहुंचते हैं घर। हमारा जो गांव है ये उत्तराखंड के अंदर टिहरी में आता है, और टिहरी जनपद में टिहरी विधानसभा का सबसे सुदूरवर्ती गांव कड़ियाल गांव कहा जाता है। इसको ब्रह्म गांव भी कहा जाता है। यहाँ पर पुराने लोग काफ़ी विद्वान हुआ करते थे, जिनके कारण जो है इस गाँव को ब्रह्म गाँव कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर ज्ञानी लोग काफ़ी हुआ करते थे, जो हमारे पुरखे थे, बुज़ुर्ग लोग थे, वो काफ़ी ज्ञानवान उनके पास हुआ करता था, और शायद उन्होंने अपने ज्ञान से काफ़ी परचम भी यहाँ पे लहराए। अगर मुझे कुछ इस तरह की डिटेल्स मिलती है तो मैं आपको ज़रूर उस बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे बुज़ुर्ग लोग थे या पुराने पुरखे थे, जिनको किसी न किसी विधा में निपुणता थी, और कौन सी विधा निपुण थे, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो बहरहाल चलते हैं
घर की तरफ। ओके तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर, और घर के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया बनाते हैं अपने लिए कुछ छोटा सा नाश्ता, क्योंकि आज घर पे कोई है भी नहीं यहाँ पे गांव में, और हम लोग कम ही रहते हैं, और ये मेरा छोटा सा किचन है हल्का सा, जैसे गाँव की लाइफ होती है, गाँव की ज़िंदगी होती है। तो अब क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से करते हैं हम अपना शाम का नाश्ता। ओके तो लेट्स गो, देखते हैं किस तरह से बन जाता है। ये रख दिया है मैंने इसके ऊपर पतीला, और पतीले में डालेंगे हम थोड़ी सी अपनी माइक्रोनी, आज माइक्रोनी से ही काम चलेगा दिन में, इससे हम का हल्का फुल्का नाश्ता। और जैसे माइक्रोनी बनती है तो आप किस तरह से माइक्रोनी बनाता हूँ, पहले इसको उबाला जाएगा। ये मैंने काट दिए हैं टमाटर माइक्रोनी में डालने के लिए, और इसमें तड़का मार दिया जाएगा जख्या का। अब जो गढ़वाल में रहते हैं उन्हें तो जख्या का पता ही होगा, लेकिन जो बाहर से हैं उन लोगों को जख्या का पता नहीं, और मुझे जख्या बहुत पसंद है। कर्च कर्च होता है गढ़वाली लैंग्वेज में, कर्च कर्च। और ये जख्या दिया था मुझे मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त ने, और स्पेशली ये जख्या मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और माइक्रोनी में डालूँगा। अब देखते हैं किस तरह से जख्या का तड़का डालूँगा, और देखना क्या लाजवाब बनेगी मेरी माइक्रोनी, मेरे लिए तो लाजवाब बनेगी। बाकी आप लोगों को टेस्ट करना तो आइए कभी, आपको खिलाएंगे अपने आप की माइक्रोनी। तो गाइस मेरी माइक्रोनी में आ चुका है पूरी तरह से उबाल, और शायद पक चुकी है। मैं पहली बार बना रहा हूँ माइक्रोनी, क्योंकि मुझे मैगी ज़्यादा बनानी आती है और हर चीज़ बनानी आती है, बस सिर्फ दो चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं, माइक्रोनी बनाने में और खिचड़ी बनाने में, ये दोनों चीज़ें मुझे बनानी आती भी नहीं है। तो अभी देखते हैं पकी है या ना पकी है, ये तो बात की बातें हैं, जो भी ठंडा होगा तभी पता चलेगा, लेकिन तब तक हमने जो तैयारी की है तो रखते हैं गैस के ऊपर कढ़ाई, और कढ़ाई मारते हैं जख्या का तड़का। कैसा होता है जख्या का तड़का मारने के बाद वो दिखाते हैं आपको। ये मैंने रख दिया है तड़का मारने के लिए, इसको क्या बोलते हैं मुझे समझ भी नहीं आ रहा, सॉस पैन फोर पैन जो भी बोलते होंगे। और ये मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल का यूज करूँगा, थोड़ा डालना है ज़्यादा डालना मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा डाल ही देता हूँ। अब इसको गर्म होने देते हैं, गर्म होने के बाद इसमें डाला जाएगा जख्या का तड़का। आप भी देखिए कैसी आवाज़ आती है, आती है या नहीं आती मुझे भी नहीं पता। तेल तो मेरा गर्म हो चुका है, काफ़ी धुआं भी छूट रहा है, लेकिन मेरी माइक्रोनी अभी पूरी तरह से उपजी नहीं है, अभी ये हार्ड ही है, तो जब तक माइक्रोनी उबलती है तब तक कर लेता हूँ मैं गैस को। मेरी माइक्रोनी को उबलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि पहला पहला एक्सपीरियंस है और पता भी नहीं है किस तरह से माइक्रोनी बनती है, तो लगेगा थोड़ा सा टाइम, तब तक कर लेते हैं कुछ बातें। ये है मेरा किचन, छोटा सा एक किचन गाँव के अंदर, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसमें, बिल्कुल अपना वही जैसे बचपन याद आ जाता है यहाँ पर। अभी मैंने माइक्रोनी को चेक किया था ऐसे ही निकाल के, तो दांतों के अंदर फंस चुकी है, इसके बार बार ये जीभ वहीं पे जा रही है। आज देखते हैं कैसी बनती है अपने हाथ से बनी हुई माइक्रोनी, क्योंकि हमेशा मैगी बनाई, तो एक बार माइक्रोनी का देखते हैं क्या है किस तरह से, और आप भी खाएंगे आपको भी खिलाई जाएगी साथ में, और अगर मुझे पसंद आती है अपनी ही बनाई हुई माइक्रोनी तो आपको भी ज़रूर इन्वाइट किया जाएगा कि आइए और मेरे हाथ की बनी हुई माइक्रोनी को खाइए। बहरहाल देखते हैं क्या क्या होता है माइक्रोनी, शायद अब उबल ही गई होगी। मैंने डाल दिया है जख्या का तड़का, और जख्या मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, तो मैं बहुत ज़्यादा ही यूज करता हूँ, क्योंकि दांत के अंदर होता है कर्च कर्च और क्रंची होता है ये, तो इसलिए जो है मैंने इसमें डाल दिया है जख्या। इसके ऊपर से हल्का सा डालूंगा मैं टमाटर, इनको पकाना तो है नहीं मुझे, जहाँ तक मुझे इतना तो टमाटर, और फिर इसमें मसाले डालूंगा मैं बाद में। ओके तो साथियों मैंने डाल दिया है इसमें अपना माइक्रोनी, और देखिए अब ये किस तरह से बनती है, ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। तो जो भी होगा हल्का सा इसमें पानी है, पानी अभी सूख जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, नहीं भी सूखेगा तो सूख के रूप में इसे पी लूँगा, और बहुत ही मज़ा आएगा। देखते हैं अपने हाथ की बनी हुई माइक्रोनी कैसे लगती है। तो चलिए जब तक ये पकता है तब तक हम निपटाते हैं कुछ और काम। हाँ इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, कि ये जो इधर इधर काले काले से लगे हुए हैं सारे पॉटपन पे, तो ये जो है जख्या के तड़के, यानी कि जख्या, और ये बहुत ही अच्छा होता है, कई बार बोल चुका हूँ मैं कर्च कर्च, और यही कर्च कर्च मुझे बहुत बेहतर लगता है, तो ये जख्या। अगर आप लोगों को नहीं पता जख्या के बारे में तो कभी आइएगा उत्तराखंड के पहाड़ों में, वेलकम है आपका, तो आपको जख्या का टेस्ट ज़रूर कराया जाएगा, और उम्मीद है कि आपके स्वाद में ये जख्या चार चांद लगा देगा। जैसे कि बताया गया है कि इसको ढक के बनाना ज़रूरी है,
ताकि जल्दी भी पके और मेरी गैस की बचत भी हो जाए। तो मैंने इसे ढक दिया है। अब देखते हैं, दो मिनट बाद बन जाएगी हमारी फटाफट वाली मैगी। नहीं 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 मैगी नहीं, माइक्रोनी, मैं खुद ही इसका नाम भूल गया था, क्या है, माइक्रोनी। ये लीजिए, तो मेरी माइक्रोनी हो गई तैयार, दिखने में बहुत ही बढ़िया, तो खाने में भी स्वादिष्ट हो ही जाएगी। बाकी देखते हैं, बताते हैं आपको इसका टेस्ट करके। तो ये मेरी गर्मा गर्म माइक्रोनी हो गई है तैयार, अब इसका स्वाद लेने के लिए चलते हैं बाहर में। ओके, आ गया हूँ बाहर। बाहर का मौसम कुछ बढ़िया सा, आज धूप भी नहीं है, बादल लगे हुए हैं। तो देखते हैं बाहर में किस तरह से क्या टेस्ट आता है इस माइक्रोनी का। ओके, ये नहीं, जिसमें माइक्रोनी थी, ये मैं आपको बता दूँ कि माइक्रोनी का टेस्ट तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मैंने इसमें जख्या डाला था और टमाटर था, उस जख्या और टमाटर का टेस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर खाना हो तो आइए, साथ में मिलकर खाते हैं। लेकिन बहरहाल तो मैं खा ही लेता हूँ, करता हूँ खाने के बाद आपसे बातें। हाँ, तो माइक्रोनी खाने में आया काफ़ी मज़ा। माइक्रोनी का जो, जैसे माइक्रोनी बनी होती है, वो तो मुझे उतना टेस्टी नहीं लगा, लेकिन मैंने जो उसमें जख्या डाला था, जख्या का तड़का आया था, और टमाटर का जो स्वाद था, उसने उसका माइक्रोनी का स्वाद बहुत बढ़ा दिया था, और मुझे लग आया बहुत पसंद। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को खा चुका हूँ और बर्तन भी धुल चुका हूँ, तो अब मैं पहुँचा अपने रूम में, और अब है थोड़ा सा रेस्ट का टाइम, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और शाम को मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी मीटिंग अरेंज करवानी है और काम भी करने हैं, तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाऊँगा। तो आज के इस ब्लॉग का यहीं पे कर देते हैं अंत। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप किस किस तरह के ब्लॉग्स चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में लिखिएगा। अभी आगे मेरे ब्लॉग्स में बहुत कुछ आपको मिलने के लिए, बहुत सारी ट्रैवल्स हिस्ट्री आपको मिलने के लिए मिलेगी। अभी तो अपना गाँव दिखाना बाकी है, पूरा गाँव आपको दिखाया जाएगा, यहाँ की डेली लाइफ, यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, इन सब पे आप लोगों को ब्लॉग्स दिए जाएंगे। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम पहाड़। ये लीजिए, तो मेरी माइक्रोनी हो गई तैयार, दिखने में बहुत ही बढ़िया, तो खाने में भी स्वादिष्ट हो ही जाएगी। बाकी देखते हैं, बताते हैं आपको इसका टेस्ट करके।